हेलो दोस्तों, मैं वासी पठान। आज बात करेंगे कैसे एक शख्स ने सिक्कों से स्कूटी खरीदी। तो वीडियो एंड तक जरूर देखें और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, बूंद बूंद सागर तो सुना ही होगा, लेकिन आज उसका जीता जाता उदाहरण भी देख लो। दरअसल आसाम में रहने वाले मोहम्मद शरदुल हक का सपना था कि वो अपने लिए नई स्कूटी खरीद सके, लेकिन आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो नकद या EMI पे स्कूटी खरीद सके। इसलिए उसने 5 सालों तक खूब मेहनत की और अपनी मेहनत की कमाई से 90,000 रुपए जोड़े। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये 90,000 रुपए एक एक, दो दो, पाँच पाँच और 10-10 के सिक्के थे, जिन्हें शरदुल बोरी में बांधकर स्कूटी खरीदने के लिए शोरूम ले गया था। हालांकि पहले शोरूम वालों ने शरदुल की बात पे विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उन्हें हकीकत का पता चला तो 90,000 गिनने के लिए उनके पसीने छूट गए। दोस्तों, शरदुल ने बड़ी मेहनत से और अनोखे अंदाज से उन सिक्कों को जमा किया था। उसकी इस मेहनत के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। और ये कहानी रियल है, लेकिन इसमें फुटेज जो दिखा रहे हैं वो रियल नहीं है, तो उसे कंटेंट के लिए यूज किया गया है। ऐसे नॉलेजेबल वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।